बैंक के सामने खड़े होकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे जिन लोगों को आप देख रहे हैं, ये लोग वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के कर्मचारी हैं, जो चेन्नई में होने वाले ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के 95वें सालाना अधिवेशन में भाग लेने के लिए कटनी व कई रेलवे डिवीजन से रवाना हो रहे हैं। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के 95वें सालाना अधिवेशन में भाग लेने कटनी जिले से वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के भी कई प्रतिनिधि एवं कर्मचारी चेन्नई रवाना हुए। अधिवेशन चेन्नई के स्पोर्ट्स ग्राउंड में 4 से 6 दिसंबर तक होगा। इसमें ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की सभी संबंधित यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ देश भर के 1.25 लाख रेल कर्मचारी शामिल होंगे। अधिवेशन में निजीकरण एवं न्यू पेंशन स्कीम, 2.5 लाख रिक्त पदों की भरने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। कटनी के कर्मचारियों ने यूनियन की एकता का परिचय देने के लिए मंडल के ज्यादा से ज्यादा रेल कर्मियों से अधिवेशन में भाग लेने को कहा है। कटनी से हीरा विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। आंदोलन है ये AIRF का 95वां वार्षिक अधिवेशन है, जिसमें डीजल ब्रांच कटनी शाखा से हम लोग जा रहे हैं। चेन्नई में ये हमारा वार्षिक अधिवेशन 3 दिन चलेगा, उसके लिए हम लोग ये यात्रा पे जा रहे हैं और हमारी ब्रांच जा रही है। हमारी मुख्य मांगे यहाँ रहेंगी, जो ये जो केंद्र सरकार वर्तमान में निजीकरण कर रही है, हर चीज बेच रही है, मजदूर विरोधी नीतियों को लागू कर रही है, उसके विरोध में ये कर्मचारियों का जन सैलाब चेन्नई में इकट्ठा हो रहा है। वहां हम सरकार के भी नुमाइंदे आएंगे, वहां ओपन सेशन है और उसमें हम लोग जाके अपनी आवाज को मजबूत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शरद राजभर है, डीजल ब्रांच से उपाध्यक्ष के पद पर।